बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, सेकेंड ईयर, चैप्टर वन, चैप्टर नंबर 11, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर वन है। तो बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे। नया कॉन्सेप्ट क्या है? आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और उनसे रिलेटेड हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज और इक्विपोटेंशियल लाइन्स को डिस्कस करेंगे। तो अपना पहला टॉपिक देखते हैं। वैसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कब वर्क डन पर यूनिट चार्ज? जब हम उसको उठाते हैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा बेटा, लेट सपोज मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ और इस एक क्लास के अंदर 10 बच्चे बैठे हैं। मेरा बेटा, वो जो 10 बच्चे हैं वो मेरी फील्ड के अंदर हैं, और उस क्लास से बाहर कुछ भी हो रहा है तो मेरे लिए क्या है? इन्फिनिटी में। सेम कंडीशन में बेटा देखें कि ये जो चार्ज प्लेट्स हैं, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, अगर चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो ठीक, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं है तो कहीं भी मौजूद है, हम उसको क्या नाम देंगे? इन्फिनिटी। मेरे बेटा देखें, एक चार्ज है इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ है। इस चार्ज को मैंने यहाँ से उठाया, उठा के मैं फील्ड के अंदर लेके गया। सर, जब उठा के फील्ड के अंदर लेके गया तो मुझे चार्ज के ऊपर काम करना पड़ा। मेरा बेटा, चार्ज के ऊपर जो काम करना पड़ रहा है अगेंस्ट द फील्ड, इसको मूव करवाने के लिए, उस वर्क को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दे रहा हूँ। तो अगर डेफिनेशन को लिखूँ तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम ब्रिंगिंग व्हेन ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन साइड द फील्ड अगेंस्ट द फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि जब भी किसी चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट इन साइड द फील्ड लेके जाते हैं अगेंस्ट द फील्ड, तो जो वर्क हम उस चार्ज के ऊपर कर रहे होते हैं मेरा बेटा, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। अगर अपनी इसी डेफिनेशन को मैं फॉर्मूला की फॉर्म में लिखूँ तो देखें, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेरे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वी के साथ डिनोट करते हैं। मेरे बेटा, इसके यूनिट्स की बात करूँ तो वर्क का यूनिट जाउल, चार्ज का यूनिट कूलम। मेरा बेटा, इसको हम लोग नाम वोल्ट भी देते हैं और वोल्ट को हम लोग स्मॉल कैपिटल वी के साथ नोट कर रहे होते हैं। मेरा बेटा, अगर इसको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करूँ तो इसके यूनिट्स बनते हैं केजी, मीटर स्क्वेयर, पर सेकंड क्यूब, पर एम्पेयर। बेस यूनिट्स में आपको पता है हम लोग इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि हम लोग अपनी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकें। मेरा बेटा, अगर इसकी डायमेंशन लिखूँ तो मेरा बेटा केजी मैस है तो मैस की डायमेंशन एम, मीटर लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन एल, सेकेंड टाइम है तो टाइम की डायमेंशन टी, अम्पेयर करंट है तो अम्पेयर की डायमेंशन ए। तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी? एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। मेरा बेटा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी नेचर क्या होगी? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मेरा बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। मेरा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिर्फ एक बात का फर्क है, बाकी हर चीज़ वही है। मेरा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट इन्फिनिटी के ऊपर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट्स इनसाइड द फील्ड होते हैं। तो मेरा बेटा, डेफिनेशन देखें, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फील्ड। यहाँ पे क्या था? ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड। तो फर्क क्या हुआ? वहाँ पे एक पॉइंट इन्फिनिटी पे था, यहाँ पे दोनों फाइट क्या है? पॉइंट्स क्या कहाँ हैं? फील्ड के अंदर है। वहाँ भी अगेंस्ट द फील्ड वर्क हो रहा था, यहाँ भी अगेंस्ट द फील्ड वर्क हो रहा था। तो मैंने एक डायग्राम बनाया, डायग्राम देखें कि एक चार्ज पॉइंट ए पे पड़ा है, उसको पॉइंट ए से उठाया पॉइंट बी पे लेके गया। तो मेरा बेटा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने के लिए जो मैंने चार्ज पर वर्क किया है उसको मैं क्या नाम देता हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देता हूँ। देखिए, दोनों पॉइंट्स इनसाइड द फील्ड हैं, यहाँ पे एक साइड पॉइंट इन्फिनिटी पे था और एक इनसाइड था। तो यहाँ पे मेरा बेटा, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, यहाँ पे क्या होगा आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज? डब्ल्यू ए बाई क्यू होगा, यहाँ पे क्या होगा? डब्ल्यू बी बाई क्यू होगा। मेरा बेटा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास जो डिफरेंस आ रहा होगा उसको मैं क्या नाम दूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दूंगा। फॉर्मूला, इसके यूनिट्स की बात करूँ तो इसका यूनिट बनता है जाउल पर कूलम। मेरा बेटा, आपको पता है जाउल पर कूलम किसके इक्वल होता है? वोल्ट के इक्वल होता है। और इसको अगर बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करूँ तो के जी, मीटर स्क्वेयर, पर सेकंड क्यूब, पर एम्पीयर। डायमेंशंस क्या होंगी? एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। और इसकी नेचर भी क्या होगी? स्केलर। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस एंड सेम यूनिट। मेरे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स भी सेम होते हैं और उनके डायमेंशंस भी सेम होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा, इक्विपोटेंशियल लाइंस और इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। मेरा बेटा, ऐसी लाइंस या ऐसी सर्फेसेस जिनके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज ना होती हो, मेरा बेटा, उन लाइंस या उन सर्फेसेस को हम लोग नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल लाइंस या इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का। तो देखें, इक्विपोटेंशियल लाइन, लाइंस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आर नोन एज इक्विपोटेंशियल लाइन। ये मेरे पास एक लाइन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी में पोटेंशियल फाइंड आउट करता हूँ। बेटा, पॉइंट ए पे पोटेंशियल देखा तो वो भी बी था, पॉइंट बी पे देखा तो वो भी बी था। तो इट मीन्स ये कौन सी लाइन है? इक्विपोटेंशियल लाइन है, बिकॉज पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ तो वी ए माइनस वी बी, इट मीन्स वी माइनस वी, तो जवाब क्या आ गया? जीरो। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि इक्विपोटेंशियल लाइन के ऊपर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालूँ तो हमेशा किसके इक्वल होगी? जीरो के इक्वल होगी। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सर्फेस की बात करता हूँ तो सर्फेसेज हैविंग सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस।
पॉइंट ए पे देखा, पॉइंट बी पे देखा, दोनों जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू वी थी, इनके दरमियान मेरे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ भी जवाब क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ से एक और चीज़ क्लियर होती है कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के ऊपर भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस का। मेरा बेटा इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। पहला एमसीक्यूज है, कंसीडर वी हैव अ 2 माइक्रोकूलम चार्ज, मुझे चार्ज की वैल्यू गिवन है। If at point A its energy is, मुझे वर्क की वैल्यू गिवन है, एनर्जी का मतलब वर्क होता है, 50 जूल एंड एट पॉइंट बी 100 जूल, तो बताएं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। आपको पता है मेरा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी ओवर क्यू माइनस डब्ल्यू ए ओवर क्यू। अरे बेटा डब्ल्यू बी की वैल्यू आपको 100 जूल गिवन है और उसकी आपको 50 जूल गिवन है, एलसीएम लूँगा तो वो क्यू ही आ जाएगा। तो क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोकूलम। मेरा बेटा माइक्रो का मतलब होता है 10^-6। मेरा बेटा ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50 बाय 2 × 10^6, ये जूल है, × 10^6 वोल्ट। मेरा बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 25 × 10^6 वोल्ट आ जाएगा, या इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 2.5 × 10^7 वोल्ट। तो आप देखें ऑप्शन ए भी करेक्ट आ रहा है और ऑप्शन बी भी करेक्ट आ रहा है, तो सिंपल सा एमसीक्यू था। दूसरा एमसीक्यू देखें कि आपके पास ये एक सरफेस गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि ये सरफेस आप इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो बताएं बी के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा। तो हमें आइडिया पता है कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज ऐसी सर्फेसेज जिन पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। अगर ए पे 100 जूल है मेरा बेटा तो बी पे भी कितना होगा, 100 जूल, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखें जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज के करीब हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है और उससे दूर हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। ये इस वजह से है क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरे चैप्टर के अंदर यही बता रहे हैं कि हमारा जो टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अरे बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाऊंगा तो मुझे वर्क कम करना पड़ेगा, बट अगर उसी चार्ज को उठा के यहाँ पे लाऊंगा तो मुझे वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कम। तो यहाँ से एक आइडिया क्लियर हुआ कि पॉजिटिव चार्जेस के करीब पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है और दूर रखें तो पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है। सेम अगर नेगेटिव के लिए देखूँ तो ज़ाहिर है नेगेटिव के लिए दूर होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, करीब होगा तो पोटेंशियल वैल्यू कम होगी। बिकॉज यहाँ पे दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे होगा तो मुझे वर्क कम करना पड़ेगा, यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना पड़ेगा तो वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। इट मीन्स वी ए की वैल्यू कम हो जाएगी और वी बी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। लास्ट पॉइंट या लास्ट कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट्स विच आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, पॉइंट्स विच आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज हैव सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरे पास एक चार्ज है, ये तमाम के तमाम पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पे हैं मेरे चार्ज से, तो मेरा बेटा इन तमाम के तमाम पॉइंट्स का पोटेंशियल और इन तमाम के तमाम पॉइंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यूज बनते थे उन्हें तमाम के तमाम डिस्कस कर लिए। आज के लेक्चर में अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।